जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट मार्च 2023। कन्या लग्न के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन के कारण ड्वेलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है इस व्यक्ति के अंतर्गत। साथ ही थोड़ा द्विस्वाभाविकता के कारण व्यक्ति कन्फ्यूजन के अंतर्गत ज़्यादा आ जाता है, और पृथ्वी तत्व के कारण दृढ़ता संकल्प शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है, और सहन शक्ति भी कह सकते हैं काफ़ी प्रबल रहती है, और बुध से प्रभावित होने के कारण काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। कंपैरिजन कंपटीशन ये व्यक्ति में सदा चलता रहता है। एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती हैं, ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले हम लगन के मालिक लग्नेश का गोचर देखते हैं, जो कि बुध बनते हैं। षष्टम भाव के अंतर्गत बुध 27 फरवरी से 16 मार्च, मतलब कि मार्च माह में 16 मार्च तक आपका मेन फोकस जो रहेगा वो षष्टम भाव पर रहेगा। मतलब हो सकता है कि आपके शत्रु वगैरह या आपका रोग वगैरह आपको परेशान कर रहा हो, या फिर मतलब कहीं ना कहीं रोग रिपूर्ण इन सब का संबंध आपका विशेष तौर पर बनता हुआ दिख रहा है। कि हो सकता है कि आपका, देखो कि यहाँ पर षष्टम भाव में शनि भी चल रहे हैं, शनि बुध और सूर्य का भी परस्पर संबंध, सूर्य जो कि द्वादशीष बनकर हैं, ये उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जो व्यक्ति पब्लिक सर्विस में हैं और विशेषतः सर्विस फील्ड के अंतर्गत हैं, तो वो बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। बेसिकली आपका जो मेन फोकस रहेगा अपनी जॉब को लेकर, हो सकता है कि अब तक आप इधर उधर आपका ध्यान जा रहा हो, या आप अपनी जॉब में ज़्यादा समर्पण भाव नहीं दिखा पा रहे थे, या कुछ ऐसे काम थे जो आपके अटके हुए थे, कहीं ना कहीं अब आपको ज़्यादा ध्यान अपनी जॉब पर देना पड़ेगा। जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ पर विशेष ध्यान देने की का समय यहाँ पर रहेगा, और इस समय के अंतर्गत थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो डॉक्टर वगैरह हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, जो जिनका पेशा ही इस तरीके का है, या वकील हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर जो आप नॉर्मल केवल अपनी किसी भी फील्ड के अंतर्गत जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिम वगैरह या योगा आसन वगैरह करते रहिएगा, आपको फ़ायदा रहेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन के भाव इस समय में ज़्यादा रहेंगे, कंपैरिजन का भाव ज़्यादा रहेगा। प्रोडक्टिविटी आप अच्छी करते हुए नजर आएंगे, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी तो आप बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस अपने आप का ध्यान रखना है, थोड़ा फाइटिंग बढ़ेगी। बेसिकली अगर हम देखेंगे कि 16 मार्च तक आप कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, फाइट करनी पड़ रही है, या हो सकता है कि अभी तक आप अपनी जॉब वगैरह पर मेन फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप थोड़ा ईजी वे में काम कर रहे थे, थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा प्रेशराइज आपको किया जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और स्थिति कि बुध और शनि का जो परस्पर संबंध बना है, मतलब आपका आपकी संतान के साथ परस्पर संबंध कह लीजिए, या आपका और आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका का जो एक परस्पर संबंध है, वो आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रहा है। विशेषतः यहाँ पर क्योंकि मंगल का भी प्रभाव आने वाला है, 13 मार्च के बाद से 8वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, मतलब कह सकते हैं कि आने वाला समय, अभी हम आगे बताएंगे भी उसको, मेनली यहाँ पर ये रहेगा कि अभी आप अपने बच्चों के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं, और एक गंभीर विषय पर आप बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि अपनी सुलह करवा रहे हैं, मतलब अपने प्रेमी प्रेमिका भी ले लीजिए साथ में, और साथ ही आप अपने संतान, मतलब या तो अपनी संतान के साथ या फिर प्रेमिक प्रेमिकाओं के बीच में आपस में आप परस्पर काफ़ी गंभीर विषय पर बात चल रही है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो आप दूर करें, या आपस में दोनों मिलकर, या तो आप अपने बच्चे के साथ या प्रेमी प्रेमिका दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, आप अपने किसी चीज़ को लेकर विशेषतः आप फाइट कर रहे हैं, विशेषतः ऐसा आप समझ सकते हैं, एक संघर्ष की स्थिति में दोनों मिलकर आप चल रहे हैं, ये भी स्थिति हो सकती है। यहाँ पर दोनों ही तरीके से बातों को बताया गया है कि या तो आपके आपस में संबंधों में दिक्कत है जिसके कारण आप एक संघर्ष की स्थिति में, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके कारण आप और आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका या आप आपके संतान दोनों मिलकर उसके लिए फाइट कर रहे हैं, एक संघर्ष जैसी स्थिति के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं, और ये खासकर आपको 16 मार्च तक ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखें यहां पर एक और स्थिति देखें कि बुध का जो गोचर रहेगा 16 मार्च के बाद की स्थिति क्या होगी। 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध मीन राशि के अंतर्गत, जो कि नीच की राशि हो जाती है, नीच राशि गुरु के घर में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, नीच भंग भी हो रहा है, मतलब राजयोग भी देगा ये आपको, और यहां पर क्या होगा, लर्निंग आपकी विशेषता बढ़ जाएगी।
अब आपको सपोर्ट भी मिलेगा क्योंकि इतने सारे ग्रहों का सपोर्ट सूर्य बुध और गुरु का आपको उस समय में सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि शुक्र तो मेष में चले जाएंगे 12 मार्च के बाद से। तो अब यहाँ पर आप कैसा देखेंगे कि 16 मार्च के बाद स्थिति ये है कि आपका थोड़ा वैल्यू सिस्टम तो डाउन दिख रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि आप जिन कार्यों को करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी थोड़ी कम रहेगी, या ये कह सकते हैं कुछ नए काम आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको सीखने की आवश्यकता रहेगी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हमारे को कोई नई चीज़ नया काम हम करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं, या हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सामने वाले व्यक्ति की सुननी भी होती है, समझनी भी होता है उनको, और साथ साथ उस नए काम के लिए सीखना होता है। विशेषतः यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि कर्म का भी स्वामी आपका बुध ही बनता है, लगन का स्वामी बुध बनता है, थोड़ा वैल्यू सिस्टम को भी डाउन कर सकता है, ध्यान रखना है, चारित्रिक रूप से भी अपने आप को इस माह के अंतर्गत मजबूत बनाए रखना है, और विशेषतः आपको आपका ध्यान थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर विशेष ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। और जहां पर आपके बुध का जो निष्ठा उसको भंग कर रहा है गुरु, विशेषतः आप अगर किसी विषय को लेकर किसी भी चीज में अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे इस समय के अंतर्गत, तो आपकी इस कमजोरी को जो दूर करने वाले रहेंगे वो एक तो आपकी मदर हो सकती है जो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी इस समय के अंतर्गत, और साथ साथ आपके यहाँ पर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, क्योंकि लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर काफी प्रबल होकर आपको सपोर्ट देते हुए नजर आ रही हैं, तो उनका सपोर्ट मिलेगा जिसके कारण आप अपने आप को काफी बलवान, काफी अच्छा महसूस करेंगे। विशेषतः इस माह के अंतर्गत सूर्य बुध गुरु का लगन पर जो दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत इंटेलिजेंट भी बनाएगी। हो सकता है जैसा कि हमने बताया कि आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा, सीख कर आप अपने आपको इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे और आपका नेम एंड फेम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा विशेष तौर पर वृद्धि भी होगी, और इस प्रतिष्ठा या इस पद वृद्धि में जो साथ मिलेगा आपको कहीं ना कहीं आपके यहां पर आपके मदर का और आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, इनका लेकर विशेष साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति भी यहां पर कही जाएगी, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम काफी ज्यादा रहेगा कि ज्यादा आपको समझना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, और ये स्थिति 16 मार्च से 31 मार्च तक आप देखोगे। अपने आप को कहीं ना कहीं वीक महसूस जरूर करोगे, ऐसी स्थिति आपके साथ आएगी, लेकिन उस निचता मतलब उस वीकनेस को भी दूर करने के लिए सपोर्ट सिस्टम काफी हाई रहेगा, आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इसके बाद बुध के प्रभाव के बाद सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं, क्योंकि लग्नेश का, कर्मेश का हमने देख लिया है गोचर, अब इसके बाद देखते हैं हम सूर्य का गोचर। सूर्य जो कि वेश भी बनते हैं, द्वादशीश बनते हैं, द्वादशीश बनकर 12वें भाव के स्वामी बनकर ये आपके षष्ठम भाव के अंतर्गत सूर्य बैठे हैं। ये टाइम आपका अगर आप स्टार्टिंग टाइम देखें 16 मार्च से पहले तक का टाइम एक और चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका मेन फोकस बुध भी, शनि भी, सूर्य भी, आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं आपके लिए कंपटीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर आप किसी तरीके के मुकदमे, कोर्ट कचहरी वगैरह इत्यादि में फंसे हुए हैं या शत्रु बाधा है तो वहां पर आप विजय होते हुए नजर आएंगे। इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, जॉब के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको वहां विशेष रूप से सफलता मिलेगी, और विशेषतः जिस फील्ड के अंतर्गत आपने पढ़ाई करी है, जहां से संबंधित आपने एजुकेशन ली है, वहीं पर आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना। 16 मार्च से पहले पहले बहुत प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं, काफी अच्छे हैं, विशेषतः कंपटीशन वगैरह वगैरह में काफी फायदा आपको मिलने वाला है, आपका क्लियर होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा रहेगी। तो किसी भी प्रकार की बाधा है तो वो वहां पर आप आएंगे, फाइट करेंगे और आप निकल जाएंगे आगे, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषतः यहाँ पर आपके आपका ध्यान, आपका मेन फोकस थोड़ा मामा मौसी को लेकर भी रह सकता है। 16 मार्च से पहले की बात बता रहे हैं कि मामा मौसी या फिर थोड़ा नौकर चाकर की अगर जो बात करें तो उनका थोड़े उनको लेकर थोड़ा सा आपका मेन फोकस रहेगा, या अपने से जो नीचे के लोग हैं उनको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आपका मेन फोकस रहेगा, ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और थोड़ा सा अपने डेली मतलब आपको अपने नियम पर मतलब थोड़ा डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा 16 मार्च से पहले पहले। एक अच्छी मतलब एक स्थिति है कि आपको कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ टाइम टेबल कह लीजिए, इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में आएगी। अब देखिए इसके बाद हम जैसे बता रहे सूर्य के प्रभाव को, सूर्य का प्रभाव उसके बाद मीन राशि के अंतर्गत वेश बनकर सूर्य का प्रभाव मीन राशि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः ये बात तो तय है कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के बीच थोड़ा सा ईगो क्लैशेस वहां पर मतलब स्वाभिमान उनका वृद्धि होगी, उनकी बातों को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, तो वहां पर ये भी एक स्थिति आती हुई दिखाई देगी। और लीडरशिप क्वालिटी में तो आपके बीच स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप 16 मार्च के बाद आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें
सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा मिलेगा। नेम एंड फेम जैसा कि हमने पहले बताया उसमें भी विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और लाइफ पार्टनर भी काफी अपने आप में अपने आप को काफी कह सकते हैं तवज्जो देता हुआ नजर आ रहा है। उस तरीके की आपको भी उसको थोड़ा वैल्यू देनी पड़ेगी, थोड़ा उस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। और विशेषतः यहाँ पर आपका आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी होता हुआ दिख रहा है कि कोई ना छोटा किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो भी एक स्थिति या खर्चा आप अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर पर खर्च भी कह सकते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति दिख रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को जानिए। मंगल देखिए यहाँ पर पराक्रम का स्वामी है और आपका अष्टम भाव का स्वामी है, मतलब तृतीयेश है, अष्टमेश है और पहले मंगल वृषभ राशि में 13 मार्च तक गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मंगल का जो गोचर हो रहा है थोड़ा पिता को लेकर दिक्कतें चल रही थी, पिता से थोड़ा मतभेद, गुरु से मतभेद और थोड़ा सा ये स्थिति, और ये लेकिन ये एक अच्छी स्थिति थी कि कहीं ना कहीं अगर आप हायर एजुकेशन में थे तो आप रिसर्च वर्क बहुत अच्छा कर पा रहे थे, तो वो उस चीज़ के लिए अच्छा कह सकते हो। थोड़ा धार्मिक चीज़ों में वाद विवाद आप कर रहे थे, इस तरीके की स्थिति वहाँ पर चल रही थी। और विशेष तौर पर आपका पराक्रम अपनी उच्च शिक्षा को लेकर और धार्मिक कृत्यों या फिर यात्राओं को, लंबी यात्राओं को लेकर ज़्यादा चल रहा था, वो एक स्थिति थी। और वहीं पर मंगल की दृष्टियों को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर खर्चा काफ़ी अधिक हो रहा था और विशेषतः यहाँ पर अगर धार्मिक चीज़ों पर खर्चा किया अच्छा, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा आपके गलत जगहों पर कोर्ट कचहरी वगैरह या फिर आपके रोग रिपोर्ट इन पर खर्चा होने का संभावना ज़्यादा था। मतलब यहाँ पर मतलब रोग से संबंधित ये कि हेल्थ का इश्यू आ रहा, मेडिसिन वगैरह पर, मेडिकल चीज़ों पर खर्चा हो जाए, तो थोड़ा वो दिक्कत चल रही थी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेष पराक्रम में विशेष वृद्धि आपके जीवन में कर रही थी। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर मतलब माता के घर पर पड़ रही थी, जिसके कारण माता को या तो कष्ट हो सकता है, माता के साथ थोड़े मतभेद, घर में थोड़े कलह की स्थिति, आर्ग्यूमेंट आपस में चल रहे थे, तो थोड़ा इस तरीके की स्थिति वहां पर बन रही थी। और ये एक स्थिति का कहीं ना कहीं आपका ध्यान थोड़ा भूमि मतलब सुखों से थोड़ा दूर आप थे, ये एक मंगल का प्रभाव अभी तक चल रहा था। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि मंगल का गोचर जो रहेगा वो वृषभ से मिथुन में जैसे ही आएगा तो मंगल अष्टमेश प्राक्रमेश में उनका दशम भाव में, मतलब अब आपका एक तरीके से कह सकते हैं कर्म स्थान के अंतर्गत स्ट्रगल कह लीजिए वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब स्ट्रगल कह लीजिए, मेहनत कह लीजिए, पराक्रम कह लीजिए, विशेष तौर पे आप एक्शन दिखाने वाले हैं, पराक्रम दिखाने वाले हैं मंगल पराक्रम के कारक होकर और वो भी तृतीय भाव के कारक होकर आपके दशम भाव में, और विशेषतः अष्टमेश भी है तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाला है, बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, और वैसे भी आपका लग्न का मालिक भी छठे में गया था, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि नौकरी के अंतर्गत जॉब प्लेस पर आप कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव हो सकता है। अभी तक आप घर से काम कर रहे थे, अब आपको हो सकता है वहां पर जाना पड़ रहा हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं, या कहीं ना कहीं जॉब चेंज वगैरह का थोड़ा सा इस तरीके से, जॉब में जिस तरीके का आप काम कर रहे थे, आप हो सकता है वो काम में थोड़ा बदलाव आए और आपको फिर लर्निंग भी आगे बताई है कि लर्निंग भी बढ़ रही है, तो इस तरीके की स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहां पर मंगल का जैसे प्रभाव आएगा, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में है तो आपको अपने वर्क प्लेस पर एक बात का ध्यान रखना है कि बोलते वक्त थोड़ा ध्यान देकर बोलना है कि किसी अपने जो साथ काम करने वाले हैं या अपने से उच्चस्थ अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उच्चस्थ जो लोग हैं उनसे थोड़ा संभल कर बात करें, नहीं तो वाद विवाद मतभेद होने की संभावना उनसे हो सकती है। विशेषतः यहां पर बैठे मंगल आपको रिसर्च वर्क बहुत अधिक, डीप रिसर्च वगैरह ये सब चीजें काफी, या अगर आप ऑडिट वगैरह के काम में हैं तो वहां पर भी उस तरीके की चीजों में फायदा दिला सकते हैं। और यहां पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी लगन पर रहेगी, विशेषतः आप अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे, अपने आप को लेकर, स्वयं को लेकर, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर विशेष आप ध्यान देने वाले हैं और थोड़ा सा गुस्सा और ऊर्जा दोनों ही बढ़ेगी। इसका सदुपयोग कर लोगे तो आप फायदा ले जाओगे और अगर दुरुपयोग कर लोगे तो आप स्वयं की क्षति या कहीं ना कहीं अपने आप कोई अपने आप का नुकसान कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जा को अपने कर्म स्थान पर, अपने कार्य क्षेत्र पर लगाइए और विशेष ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़िएगा। अब देखिए ये मंगल का प्रभाव आपको 13 मार्च से 10 मई तक है, मतलब 13 मार्च से 10 मई मंगल आपके दशम में है। विशेषतः आपको अथॉरिटी भी देंगे कार्यस्थल पर, ऐसा नहीं है कि ये आपका सिर्फ वही कराएंगे, आपको अथॉरिटी भी देंगे, पावर भी देंगे आपको, लेकिन इस बार आपको सदुपयोग तरीके से, अच्छे तरीके से सदुपयोग आपको करना है। वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब ये चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो घर में तो कहीं ना कहीं थोड़ा कलह तो रहेगी, थोड़ा गुस्सा मतलब ये स्थिति रहेगी और मन में कहीं ना कहीं एक डिजायर जो किसी तीव्र इच्छा
इच्छा वो भी उत्पन्न करने वाली रहेगी। और साथ ही क्योंकि सीधी दृष्टि में मदर के साथ जो पहले रिलेशन बिगड़ रहा था, खराब हो रहा था, तो वहां पर सुधार करने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे। तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी कि अब आपका ध्यान रहेगा कि घर के अंतर्गत अगर कुछ भी खराब स्थिति थी किसी भी चीज को लेकर, तो वहां पर घर की चीजों को भी आप ठीक करते हुए या रिलेशनशिप को भी ठीक करते हुए मदर के साथ उनको आप ध्यान रखोगे, वो एक प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचम भाव पर आठवीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई डॉक्टर से रिलेटेड या सीए वगैरह कर रहे हैं या फिर वकालत वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन यहां पर जब मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके आपके संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप के अंतर्गत आपका मतभेद होना स्वाभाविक सा रहेगा, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और साथ ही आप में थोड़ा, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा ध्यान से बचकर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी के अंतर्गत गलत तरीके से आप अपना पैसे को नुकसान, पैसे का नुकसान कर सकते हैं, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए, इसके बाद हम बुध का प्रभाव देख चुके हैं, शुक्र के प्रभाव को और जान लेते हैं। मेनली यहाँ पर अगर आप शुक्र के प्रभाव को देखें तो भाग्य का स्वामी बनकर सप्तम भाव में है। तो शुरुआती 12 मार्च तक शुक्र उच्च के हैं, गुरु के साथ हैं, स्वराशि हैं, शुक्र गुरु का भी प्रभाव लगन पर है, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट विशेष वृद्धि रहेगी उन सब चीज़ों में भी। और भाग्य का साथ आपका व्यापार के अंतर्गत बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ नजर आएगा, आपको अच्छे लाइफ मतलब पार्टनर वगैरह का सपोर्ट भी रहेगा, वहाँ से फायदा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, और ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और शुक्र के लगन पर मतलब विशेष दृष्टि के कारण आपका नेम एंड फेम जो जैसे बताया कि वो भी बढ़ रहा है, वो भी एक अच्छी स्थिति दिख रही है। उसके बाद जो शुक्र का प्रभाव आएगा, शुक्र राहु के साथ अष्टम भाव के अंतर्गत आएंगे, ये 12 मार्च के बाद है। तो 12 मार्च के बाद जैसे ही शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आपके अष्टम भाव के अंतर्गत बनेगा, एक तो पहली बार भाग्य को लेकर थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं अब सिंपल नहीं है, थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है, मेहनत ज्यादा हो रही है, वो एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विशेषतः शुक्र राहु अष्टम भाव के अंतर्गत रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और विशेषतः अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल वगैरह इस तरीके की रिसर्च में हो तो वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसका ये भी एक अच्छी स्थिति। लेकिन यहां पर गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी हो सकती है, और गुप्त संबंधों की ओर विशेष ध्यान, कामवासना का विशेष आपका बढ़ जाना, ये एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर हो सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेषतः आपके धन में विशेष वृद्धि करने वाले रहेंगे, तो धन संपदा की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर जिस चीज को लेकर आपको नेगेटिव बताया, थोड़ा गुप्तांगों से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान आपको यहां पर रखना चाहिए। और गलत जगहों से, गुप्त संबंधों से विशेष बचना है, और इस वाहन चलाते वक्त सावधान रहना है, ये आपका 12 मार्च के बाद आपको ध्यान रखना है कि 12 मार्च से जब तक शुक्र का राहु के साथ संबंध है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको वाहन तेजी से नहीं चलाना है, और क्योंकि शुक्र आपका वाहन है और राहु स्पीड दे देगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप तेजी से वाहन चला सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये समय एक और चीज के लिए बहुत अच्छा है कि जो बुध और गुरु का जैसे ही संबंध बनेगा, बुध और गुरु का जो संबंध बन रहा है वो जैसे कि बताया 16 मार्च से 31 मार्च, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जब आपका लगन का मालिक को आपको सप्तमेश मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे, लाइफ पार्टनर की तलाश में थे, तो वो आपको 16 मार्च के बाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छा वो रहेगा, यहाँ पर समय रहेगा। साथ ही विवाह के प्रबल योग भी अभी आपके लिए बन रहे हैं, तो विवाह के लिए तो अभी आपका जब तक गुरु मीन राशि में है तो ये 22 अप्रैल तक अभी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो अगर जो व्यक्ति को लाइफ पार्टनर इस बीच 16 मार्च के बाद भी प्रबल योग बनते हैं और विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं, कि इतने सारे ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, प्रभाव आपके सप्तम, लगन, लग्नेश इन सब पर जो चल रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति बताता है कि कहीं ना कहीं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है, कि मैरिज होने की प्रबल संभावना रहेगी। विशेषतः लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध ठीक दिख रहे हैं, बुध और गुरु का जो आपस में संबंध हो जाएगा 16 मार्च के बाद, हो सकता है कि अगर आपके किसी भी तरीके से लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कत चल रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है, और पार्टनर ही आपको और ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए, गुरु का प्रभाव, गुरु चतुर्थेश भी हैं और सप्तमेश भी है, स्वराशि है, जैसा कि बताया ये सबसे करा सकते हैं, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस हो सकता है, व्यापार कर सकते हैं। वहीं गुरु की पांचवी दृष्टि आपके लिए आय वृद्धि के लिए, तो जो कि अभी समय चल रहा है,
आप 22 अप्रैल तो बहुत अच्छा टाइम है अभी आपके लिए, इनकम मतलब जॉब भी ले सकते हैं, इनकम भी ग्रो करा सकते हैं, अपनी आय वृद्धि भी आपकी हो सकती है, चाचा मित्र बड़े भाई बहन उनसे लाभ भी और वहाँ से फायदा और नेटवर्क आपका बढ़ सकता है, विशेषतः कहीं ना कहीं पुराने मित्र आपको मिलते हुए नजर आएंगे, वो सब चीज़ों को लेकर मतलब आपके लिए फायदेमंद समय रहने वाला है। मित्रों की वृद्धि भी और यहाँ पर होती हुई दिख रही है, नेटवर्क आपका बढ़ रहा है, विशेषतः उन सब चीज़ों को लेकर अभी अच्छा समय है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि लगन पर है, गुरु कृपा आपके ऊपर आएगी, आपके ऊपर आ रही है, आपको ज्ञान मिलता हुआ दिखाई देगा, आपको इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिकता, धर्म में रुचि, ये विश्व आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, विशेषतः जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, क्योंकि मंगल के कारण कहीं ना कहीं आप थोड़ा वाद विवाद कर सकते हैं धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या फिर आप राइटिंग से रिलेटेड, लेखन संबंधित चीज़ों से संबंधित, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको विशेष भाग्य अभी गुरु आपको दिलवा रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि आप आपके आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, वहाँ से आपको फायदा, छोटी छोटी यात्राओं से आपको फायदा हो सकता है, इन इन चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको फायदा यहाँ पर होता दिखेगा। लेखन संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छी यहाँ पर कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया वगैरह, इनसे सोशल मीडिया या इंटरनेट से जुड़कर आपको गुरु की आशीर्वाद मिल रहा है कि गुरु कृपा से आपके विशेष भाग्य वृद्धि यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, जब तक गुरु भी चल रहे हैं 22 अप्रैल तक अब ये रहेंगे। इसी के साथ शनि का प्रभाव आपके लिए हो सकता है, आपको देखो शनि का प्रभाव यहाँ पर पंचमेश बनकर तो थोड़ा नेगेटिव कि भाई संतान को लेकर या लव रिलेशनशिप को लेकर अब वो थोड़ा आपको दिक्कत संघर्ष बनाएगा, ये स्थिति कह सकते हैं। और एजुकेशन के अंतर्गत जो सिक्स हाउस रिलेटेड अगर आप एजुकेशन में तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो तो वहाँ पर आपको फायदा रहेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी एजुकेशन में तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्ट्रगल आपका बढ़ रहा होगा, वो भी एक स्थिति आप देखेंगे। यहाँ पर आपका कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा शनिदेव परिणाम आपको देते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर सावधान रहना है कि राहु अष्टम भाव के अंतर्गत शनि की दृष्टि है, गुप्तांगों की समस्या आ सकती है और रिसर्च वर्क के लिए अच्छा है, और साथ ही शनि का प्रभाव राहु का ये जो प्रभाव है यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष के साथ मतभेद, ससुराल पक्ष से संबंधित परेशानी या ससुराल की कुछ चीजों को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं आप, ये एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और क्योंकि शनि का राहु का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा पार्टनर लाइफ पार्टनर झूठ बोल रहा है, आपके ऊपर गलत इंजाम आपके ऊपर लग रहे हैं, उस तरीके का प्रभाव रह सकता है। विशेषतः आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि 12 मार्च के बाद से थोड़ा फीमेल पार्टनर से थोड़ा मतलब ध्यान रखना है, उनका विशेष ध्यान रखना है आपको। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, रिस्ट्रिक्शन लाएगी आपके लिए खर्चों को लेकर, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको खर्च करने पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि आपके लिए तृतीय भाव पर, विशेष तौर पे तृतीय भाव बहुत एक्टिवेट है, जहाँ से आपके छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स वगैरह हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, छोटी छोटी यात्राएं हैं, इन सबसे संबंधित आपका संबंध, क्योंकि गुरु का भाग्य भी दृष्टि के कारण भाग्य भी वहाँ से मिल रहा है और शनि की दृष्टि के कारण कर्म भी विशेष तौर पर आपके होते हुए दिख रहे हैं, या फिर लेखन संबंधित कर्म मतलब इससे संबंधित कर्म जो अभी आपको बताए थे, वो सारे काम आपके लिए विशेष बढ़ते हुए और भाग्य का साथ मिलते हुए और वह काम आप अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से आपको फायदा या सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क में वहां पे आपको या कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क में वहां पे आपको फायदा मिल रहा है या फिर इंटरनेट वगैरह से जुड़कर फायदा मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव देखिए, राहु केतु का जो प्रभाव हमने बताया है, देखिए राहु का प्रभाव अभी आठवें घर में आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि देखिए शनि एक तरफ शनि हो गए दूसरी तरफ राहु हो गए, जब तक गुरु अभी सुरक्षित हैं, गुरु मीन राशि में है, तब तक तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि लगन पर सीधी दृष्टि है। अब नहीं तो आपके लगन भी और सप्तम भी दोनों पाप कर्तरी में चल रहे हैं, और सप्तमेश वैसे चल तो रहा है, लेकिन क्या है कि जब बिल्कुल राहु के साथ आ जाएगा और शनि से दृष्ट हो जाएगा तब दिक्कत आएगी, लेकिन अभी आप फिर भी सेफ साइड हैं, आपके ऊपर गुरु कृपा रहेगी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, धर्म की शरण में है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत अभी आपको नहीं दिखती, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ को लेकर विशेष सावधान आपको रहना चाहिए, क्योंकि लगन का लगन से अष्टम भाव के अंतर्गत जो ये राहु हैं ये कहीं ना कहीं आपको, और एक बात है छोटी छोटी दिक्कतें आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखती हुई नजर आ रही आएंगी, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान आपको रखना चाहिए और ससुराल विशेष थोड़ा अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 8 से 10, 10 से 12, 21 से 23, 25 से 28, 28 से 30, 30 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत आपको फायदा, आपको लाभ, आपको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबरें मिल रही हैं, लाभ मिल रहा है, उस तरीके की चीज़ें आपके साथ ज़्यादा रहेंगी। साथ ही अशुभ दिन में 5 से 8, 10 से 12, 17 से 19, 19 से 21, 23 से 25, ये दिन अशुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, संकट बाधा, इस तरीके की परेशानियाँ, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एक्टिविटी में आप शामिल हो रही हैं या कोई नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही हैं, इस तरीके की दुख का संबंध आ रहा है, कष्ट का संबंध आ रहा है, वो ही आपको अशुभ दिनों में हो सकता है।
जो दिन कॉमन आपको दिखते हैं, आप हमेशा पूछते हैं कि ये तो शुभ भी है अशुभ भी है, तो एक दिन में दोनों घटनाएं भी संभव होती है। तो वो कुछ दिन अगर कॉमन रह जाते हैं तो उसमें यही रहता है कि मिला जुला परिणाम मिलेगा। हो सकता है कि आपको लाभ भी बहुत अच्छा हो लेकिन आपके साथ कोई ऐसी दुखद घटना भी आपके साथ घटित हो जाए, तो वो भी दोनों चीज़ें यहाँ पर होती है। तो मिले जुले परिणाम मिलते हैं जो दिन कॉमन आते हैं। साथ साथ यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 19, 21, 23 से 25, और वैसे भी अभी अकस्मात यात्रा होने के बहुत योग बनते हैं। मनोरंजन के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है, धार्मिक यात्रा 3 से 5, 12 से 14, 21 से 23, 25 से 28 की हो सकती है, अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा या विदेश यात्रा या बाहर की यात्रा कह सकते हैं उसको, या लंबी दूरी की यात्रा, वो यात्रा 5 से 8 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 12 से 14 वाली होंगी। अब अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है, साथ साथ उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखिए शिर सूक्त का पाठ आपको करना है, साथ साथ काल भैरव अष्टकम करते रहिएगा, विशेषतः जिनकी राहु की भी दशा है उनके लिए काल भैरव अष्टकम पढ़ना चाहिए, आपको फायदा रहेगा। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, 108 बार प्रतिदिन इसका जाप करते रहना है, और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, और अमावस्या को नारियल जल प्रवाह करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।